हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिजाज फूड वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ सबका ऑल टाइम फेवरेट गाजर का हलवा। इस रेसिपी को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, तो हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया है लो फ्लेम पर। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून देसी घी, ये गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर ग्रेट कर दिया है। अब इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करिए। अभी आपको ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद रिड्यूस हो जाएगा। तो अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। बीच बीच में इसे आप चलाते रहना। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। ये उबला हुआ दूध है। अब हमें इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक रखना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये दूध अच्छी तरह से इस गाजर में एब्जॉर्ब होना चाहिए और इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं आपको टोटल टाइम बता दूंगी कि मुझे कितना टाइम लगा इसमें। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। तो अभी 3/4 मॉइस्चर ही इसका इवोपरेट हुआ है, तो हमें इसे और 10 से 15 मिनट रखना होगा। तो जब तक ये पक रहा है, तब तक हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। इसमें मैं थोड़ा सा काजू और बादाम डाल रही हूँ, ये करीब 2 टेबल स्पून है। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, अब मैं इसको एक प्लेट पर निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। तो जो दूध है वो गाजर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। मुझे इस प्रोसेस में 25 मिनट्स लगे हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। क्योंकि ये लाल गाजर है तो इसमें अपना ही एक मिठास होता है। अगर आप ऑरेंज गाजर लेंगे तो आपको थोड़ा सा चीनी ज़्यादा डालना होगा। चीनी डालने के बाद ये और मॉइस्चर रिलीज करेगा, तो हमें इसे और 10 से 15 मिनट तक पकाना होगा। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर रखिए। इस स्टेज में मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है, और थोड़ा सा किशमिश। तो हम 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। तो हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कूटा हुआ फ्रेश हरी इलायची। इससे हमारे हलवे में एक अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगी। और फाइनली थोड़ा सा मावा, ये मैंने ग्रेट किया हुआ है। मैंने 100 ग्राम मावा डाला है। ये मावा को हमें मेल्ट नहीं करना है, बस हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। और हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और थोड़ा सा ग्रेटेड मावा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये यम्मी सा गाजर का हलवा तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।